जी मेरे बहन, मैं जिलम से आया हूँ जो फौजियों का जिला है। ठीक है, ठीक है। मैं भी फौजी, मेरा बाप भी फौजी, मेरा दादा भी फौजी, हम भी, मैं भी फौजी माशाल्लाह। इमरान खान क्या सबसे, जी चौधरी गुलाम रबानी का वालदार गुलाम रबानी चौधरी, इमरान खान का सबसे बड़ा कसूर ये है कि उसने अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाई है, उसकी औकात पे रखा है। ये उसके जूते चाटते थे, ये तनख्वाह पाकिस्तान से लेते थे, काम अमेरिका का करते थे। इमरान खान ने बोला नहीं, मैं आंखों में अभी देखे मेरी बहन के कितना जुल्म है कि ईरान अगर हमको 10 रुपए लीटर तेल देना चाहता है और अमेरिका बदमाश है, नहीं लेने दे रहा, कहता जी मैं दुबई से दूंगा 120 रुपया लीटर। भाई तू कौन है? रूस का तलकात हम अमेरिका से पूछ करके नहीं है। क्यों? उसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान को मजबूरी है या पाकिस्तानी फौज को। एक तो बड़ी आपने एक काफर ने जहाज चढ़ाया, काफर मुल्क ने आप पर बमबारी करने के लिए जैसे फलस्तीन में हो रही है, और तुसी पहले मैं पंजाबी दसना चाहूंगा, पंजाबी तुसी उनु छितर मार के थले ला के चाह पिलाई तो बिस्कुट की जगह छितर खिलाए के पुत्र है पाकिस्तान है। मेरी बहन मैं थोड़ा जा बस अब ये भाग्य को सबको ये नहीं बनूंगा मैं। ये बता दें कि आप सबको यकीन है कि खान साहब को अमेरिका ने निकाला? बिल्कुल। अच्छा आप एक मिनट, आप तो माशाल्लाह एंकर है, आपने नहीं पता कि अमेरिका के जो अहदेदार है अभी वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी मजबूरी थी। अब एक मिनट, दो सिर बातें। इमरान का दूसरा कसूर यह है कि उसने इस रीजन में ईरान अफगानिस्तान इस मुल्क इन शिया सुनी को भाई बनाया, उम्मत को इताद में रख दिया है जो कि अमेरिका को पसंद नहीं है। तीसरे नंबर पर वो लोग जो भाई मेरे भागे हुए थे जिहाद के नाम पर फौज को मार रहे थे, आज वही फौज को सलूट कर रहे हैं, और ये फौजी आपको सलूट करता है कि इस वक्त इस मुश्किल में आप हमारी कवरेज दे रही हैं। थैंक यू मेरी बहन। थैंक यू सो मच।